आप संत जानते हो कि जो पिंड सांगने के कुछ हिंदू नौजवानों के वलों सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी के शान के खिलाफ अपशब्द बोले गए थे, नाल ही सिख धर्म के खिलाफ गुरु साहिबाना के सिख इतिहास के खिलाफ अपशब्द बोले से। पिंड की संगत के वलों बहुत सोहने ढंग इस गल के इनिशिएटिव लेंदे हुए चढ़ती कला के नाल उन्हां दोषियों जिहड़ा सीगा पिंड दे विच उन्हां दे बण दी कार्रवाई की है, तो संगत दे वल्लों जथेबंदियां दे सहयोग दे नाल उन्हां दोषियों के उत्ते बण दी जिहड़ी कानूनी कार्रवाई है वह करवाई गई है, जो कि FIR हो गई है। FIR नंबर 146 नंबर FIR जिहड़ी उहदे दर्ज हो गई है जी, FIR की कापी भी है वह संगत नूं दे देंगे। तो दूसरा, क्योंकि वो दोषी जिहड़े सी उन्हां नूं पता लग गया सी असीं जिहड़ी करतूत की आ सानूं इहदा खमियाजा भुगतना पैणा, सो दोषी फरार हो गए सी, पर पिंड की संगत ने इकट्ठे हो करके अज इत पिंड की संगत मता भी पाऊगी कि पिंड तो लैवल के उत्ते जो उन्होंने बनता जो इन्हों का प्रबंध आ सिस्टम आ पंचायत का ज कमेटियां का वो तहत कार्रवाई उन्होंने की जाऊगी। तो दूसरा, उन्होंने उत्ते कानूनी कार्रवाई जी है ठोस उन्होंने करवा दी गई है, पुलिस वालों प्रशासन वालों आश्वासन दिता गया वा कि बहुत जल्दी उन्होंने जो अरैसट करके उन्होंने जेल भेजा जाऊगा, केस जो लड़ूगा पिंड के वालों ही परचा कराया गया। पिंड के बहुत बार साडे सरपंच साहब ने जो होर नौजवान ने इन्हों के वालों FIR कराई गई है, सो इन्हों का धन्यवाद। बाकी गल यह है भी कुछ लोग ने अजे जे हमेशा ही इदा का कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हर धर्म का सत्कार किया जाता वा, ईवन वो हिंदू परिवार को बहुत लंबे समय तो पिंड के वालों सहयोग किया जाता रहा, खाड़कूआ के समय भी उन्होंने परिवारों को सांभिया गया, पर इदा के लोग उठ करके जो साडे धर्म का खांदे ने कह सकते हैं तो साडे ते ही मुड़ के बलशन वाली गल आ, पर गुरु कृपा करे बड़ी वधिया लगी भी पिंड ने जागदे हुंदा सबूत दिता ते नथ पाउण दी उन्होंने पूरी कोशिश की है, जो इन्हां को बणदी सरदी सेवा भी सी दोषियों की वह भी की गई, पर क्योंकि इन्हां दे वल्लों थाने दे विच आ के दरखास्त देण दे मामले दे विच उह बंदे फरार हो गए, पर कोई नहीं गुरु कृपा करे, धन्नवाद पिंड दी संगत दा सारे नौजवानों का जिन्होंने सहयोग किया, दोषी बहुत जल्दी जिहड़े आ उह फड़े जाणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।